हेलो फ्रेंड्स, मैं साधना सिन्हा आपके अपने इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए अंडा करी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ अंडे और आलू लिए हुए हैं। इसको सबसे पहले मैं बॉईल कर लूँगी। जब तक अंडे और आलू बॉईल होते हैं, तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा छोटा कटोरी साबुत धनिया लिया है, 8-10 लहसुन की कलियाँ मैंने ली है और 3 बड़े प्याज भी मैंने यहाँ पे कट करके रखे हैं। अब सारी चीज़ों को मैं मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड कर लूँगी और एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है, अंडे और आलू भी उबल चुके हैं, इसका छिलका मैंने निकाल लिया है। अब सारे अंडों पे मैं इस तरीके से हल्दी का पाउडर डालते जाऊँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे ना, तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने तेल गर्म करने रख दिया है। जैसे ही तेल गर्म होगा, मैं सारे अंडों को डाल के इसमें फ्राई कर लूँगी। हमें अंडों को तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। साथ ही साथ मैंने आलू को भी डाल के इसमें फ्राई कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अंडे गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से हम सारे अंडों को निकाल लेंगे। अब अंडे की करी बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैंने यहाँ पे एक प्लेट में सारी चीज़ों को निकाल के रखा है। आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता, 4-5 हरी मिर्च, 2 बड़े प्याज, 2 बड़ा टमाटर और थोड़ा सा कसूरी मेथी। जिस कढ़ाई में, जिस तेल में हमने अंडे को फ्राई किया है ना, उसी तेल में हम आगे का प्रोसेस भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले तड़के के लिए मैंने आधा चम्मच जीरा डाला है, जो तेज़पत्ता मैंने निकाल के रखा था मैंने उसको भी डाला है, हरी मिर्च के बाद मैंने प्याज डाला है। अब प्याज को हमें गोल्डन होते तक भून लेना है। जब तक प्याज भून रही है, तब तक हम अंडों में छेद कर लेंगे। आप फोक या तो चाकू की हेल्प से इस तरीके से सारे अंडों में छेद कर लीजिएगा। देखिए, मैंने सारे अंडों में फोक की हेल्प से छेद कर लिया है। यहाँ पे हमारा प्याज भी गोल्डन हो चुका है। अब जो पेस्ट हमने बना के रखा था, वो पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगी। सारे मसाले, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक मैंने इसमें डाला है। सारी चीज़ों को अच्छे मिक्स करके इसको ढक कर कुछ टाइम के लिए इसको पका लिया। देखिए, मसाला आधा पक चुका है। अब हम इसमें यहाँ पे टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर भी पूरी तरह से गल चुकी है। टमाटर के गलने के बाद हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी इसमें डाल देंगे। कसूरी मेथी डालने के बाद मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी डाला है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया है। अब पानी में बॉयल आते ही इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूंगी, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद मैंने यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाला डाला है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब एक बॉईल आते ही मैं इसमें सारे अंडों को और आलू को इसमें डाल दूंगी और ढककर 10 मिनट के लिए पका लूँगी। देखिए, हमारा अंडा करी तैयार हो चुका है। अब लास्ट में हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अंडा करी अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितनी डिलीशियस लग रही है मेरी रेसिपी। आपको कैसे लगी फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।